दिस बुलेटिन इज स्पॉन्सर्ड बाय आयुष्मान हॉस्पिटल। नमस्कार, महाराष्ट्र टीवी 24 के महाराष्ट्र फास्ट न्यूज में मैं आचल लोखंडे आपका स्वागत करती हूँ। गैस टैंकर में गैस बेचने के आरोप में मारे गए मिर्जा आजाद बेग के हत्यारे को धुले तालुका पुलिस ने प्रताड़ित किया है। मिर्जा की हत्या के मामले में पुलिस ने उत्तर प्रदेश के प्रताप नगर से नफीस अहमद मोहम्मद ईशा को गिरफ्तार किया है। धुले तालुका पुलिस ने गैस की बिक्री में मदद करने के आरोप में दो लोगों को गिरफ्तार किया। आषाढ़ी एकादशी के अवसर पर अल्पेश घरे नियुति में मनोरम समुद्र तट पर केवल रंगोली और रेत की सहायता से हाथ की उंगलियों से विठल की 30 फीट आकार की रंगोली बनाई गई है। रंगोली की सहायता से अल्पेश द्वारा निर्मित विठल का यह मनमोहक रूप दिखाई दिया। बीड जिले के गेवराई तालुका में गोदावरी बेसिन से अवैध रेत निकासी अक्सर राजस्व और पुलिस प्रशासन द्वारा की जाती है। इस अवैध रेत निकासी से अक्सर राजस्व और पुलिस प्रशासन निपटता है, लेकिन बीड जिले में कई दिनों से रेत के टेंडर होने के बाद लगा कि कहीं ना कहीं अवैध रेत निकासी रुक जाएगी, लेकिन इसी कारण टेंडर बंद कर दिए गए। 23 जुलाई से शुरू हो रहे टोक्यो ओलंपिक में विभिन्न खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले महाराष्ट्र के 10 एथलीटों को बधाई दी गई। इसके लिए कल्याण डोंबिवली नगर निगम के खेल परिसर समिति एवं जिला परिषद द्वारा संयुक्त रूप से हस्ताक्षर अभियान कार्यक्रम कल्याण बिरला विद्यालय का आयोजन किया गया। बुलडाना जिला कोरोना मुक्ति की राह पर है। प्रतिदिन 1000 से अधिक आने वाले मरीजों की संख्या अब 10 हो गई है। आज जिले में कुल 19 मरीज है, जबकि सरकार ने बंद करने का निर्देश दिया है कोविड सेंटर, जिसमें 25% से कम मरीज है। केंद्र सरकार के विरोध में आज कांग्रेस की ओर से हिंगोली के सेनगांव में खंडारे पेट्रोल पंप पर हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। पंडरपुर जैसा मंदिर नांदेड शहर के 80 किलोमीटर ऊपर उमरी शहर में भक्तों के लिए पूजा स्थल बन गया है। मंदिर की स्थापना 1936 में उमरी शहर में हुई थी। राज्य और पुलिस प्रशासन ने लगातार दूसरे साल मंदिर को पंडरपुर स्थित विठल रुक्मिणी मंदिर परिसर को कोरोना संकट के चलते बंद रखने का आदेश दिया है। इसलिए इस वर्ष की आषाढ़ी घर में ही बैठकर विठल नाम का जप करते हुए मनाई जा रही है। पुणे नगर निगम चुनाव को लेकर सभी दलों की अपनी अपनी आगाज किया है, तो वही बैनरबाजी को शुरुआत हो गई है। पुणे में अलका टॉकीज में पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री अजित पवार इनके बैनर चमकते दिखे। महाराष्ट्र फास्ट न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए महाराष्ट्र टीवी 24। नमस्कार। रोकड़े ज्वेलर्स नागपुर का गहना, आपके जीवन के खूबसूरत पलों को गहनों से सजाने के लिए रोकड़े ज्वेलर्स हमेशा आपके साथ, विश्वास की एक अटूट परंपरा। रोकड़े ज्वेलर्स बड़कस चौक महाल नागपुर।